बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुमार बड़ा भी खिदमत में हाज़िर है। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अभी हम लोग आए हैं, दिलदार भाई ने कल हमें दावत दी थी, ठीक है। वो आज मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया, उसमें देखेंगे। तो अभी ये है कि शब्बी बिरा जो है ना, ये हमें दावत दे रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला, हाँ जी, मैंने क्योंकि कल चले जाना, तो ये मुझे अलविदाई पार्टी दे रहे हैं आज। तो ये शब्बी बिरा की तरफ से खाना है। हम यहाँ पर टिक्के और कबाब खाने के लिए आए हैं। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं, कासिम भाई और दिलदार भाई का इंतज़ार कर रहे हैं और इमरान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। और सारे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ऑर्डर वगैरह देंगे कुछ। और कल की मैंने कल मैंने निकलना भी है शाम को 4 बजे। तो इंशाल्लाह वो पता चलेगा कल की मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस चीज़ पर जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी इंशाल्लाह साथ साथ में। तो अभी बस यहाँ से कबाब खाते हैं। यहाँ पे हम आए हैं हाजी बहरी टाउन के अंदर, ही है हाजी बाबा टिक्का कॉर्नर। तो वहाँ पे आए हैं, तो वहाँ से अब देखते हैं आगे फर्दर कि हमें क्या चीज़ मिलती है, क्या मंगवाते हैं खाने को, क्या ऑर्डर करते हैं। अभी भी पता चलेगा थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला। मैं रेडी हो चुका हूँ, ठीक है। और बस अब हम लोग घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने ऊबर मंगवा ली है, इंशाल्लाह वो 5-10 मिनट में पहुँच जाएगी। बाकी कमरा जो है सारा सेट कर दिया, सामान वगैरह मैं नीचे ले गया हूँ सारा कुछ। भाई भाग भाग के ऊपर आया हूँ, मेरा वॉलेट रह गया था ऊपर, असल में वो लेने के लिए आया था। तो अब भाग के चलते हैं नीचे, उस देर में ऊबर भी आ जाएगी और फिर मैं आपसे जाके स्टेशन पे इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा, फिर आपको वहाँ की सूरत हाल दिखाऊँगा इंशाल्लाह ताला। हम लोग पहुँच गए रेलवे स्टेशन, ठीक है। और अभी हम लोग वेटिंग लाउंज में बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह पूरे 4 बजे की ट्रेन है, मैंने कंफर्म कर लिया उनसे, 4 बजे ट्रेन जो है हमारी चलनी है। तो अभी बस वेटिंग लाउंज में बैठे हुए हैं, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, अभी ट्रेन आएगी। मैं आपको बात की भी सीन दिखाता हूँ अभी जा के, ठीक है ना। ये जी ट्रेन आ गई है एक, ये मेरे ख्याल कराची से आई है। अब ये नहीं पता ये कौन सी है, देखना पड़ेगा। ये ट्रेन एक अभी आई है, अभी मुसाफिर उतार रही है, इसके बाद हमारी ट्रेन लगेगी इंशाल्लाह तकरीबन कोई 4 बजे हमारी ट्रेन यहाँ से चलेगी, 3:30 लग जाएगी। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग इस टाइम जा रहे हैं कराची, लाहौर से कराची जा रहे हैं। मैं उरहान वगैरह को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी इस टाइम, लेकिन मैं अभी इंशाल्लाह कराची जा रहा हूँ, तो आपसे वहाँ जाके मुलाकात होगी। रास्ते में जो जो होता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। बैठ गए इस टाइम ट्रेन के अंदर, ठीक है। और यहाँ से कराची से फर्स्ट क्लास करेंगे, इंशाल्लाह 4 बजे ट्रेन चल पड़ेगी। अभी हम लोग जा किस ट्रेन से रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं 5 बजे। तो वहाँ तो ऐसे वो चिकन रोस्ट था बनवाया हुआ था, सब बिरयानी तो फिर वहाँ कुछ खाना है, उसको लगी सब कुछ खाना चाह रहे हैं। क्रॉस किया तो अभी मैं आपको बाहर की सीन्स दिखाता हूँ। यहाँ पे इस साइड पे ज़्यादातर जो है ना वो मकई की फसल होती है। ये देखिए, ये भी मकई लगी हुई है सारी, ये सब मकई के खेत हैं, कॉर्न फील्ड्स हैं सारे। ये देखें वो सामने, ये ऑरेंज ऑरेंज आप देख रहे हैं ना, ये सारी मकई पड़ी है ज़मीन पे, ये मकई पड़ी हुई है। छोटे छोटे गांव आ रहे हैं वो देखें, छोटे छोटे घर बने हुए मिट्टी के। ये नहर गई है एक, तो अभी इसके बाद मुझे पता नहीं अगला स्टॉप कौन सा है। तो जो भी स्टॉप होगा वहाँ पे ट्रेन रुकी, मेरा ख्याल है खाने वाले में भी शायद अगला स्टॉप हो, क्योंकि वहाँ पे 20-25 मिनट के लिए ट्रेन रुकनी है। तो खाने वाले रुके रुकेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको खाने वाला जंक्शन भी दिखाऊंगा सारा, तो वहाँ से कुछ खाने पीने को भी लेंगे, ठीक है। और ये बड़ी फजूल ट्रेन है, बात बिजनेस, एसी नहीं चल रहा था, हालांकि हमने एसी बिजनेस क्लास की टिकट लेनी थी, एसी नहीं चल रहा था। अभी कुछ 2 घंटे से पीछे एक बंदे को कह के अब करवाया तो आप कुछ एसी चलना शुरू हुआ, बड़ा ही गंदी सर्विस है बाग बिजनेस की। आगे देखते हैं कितनी की गंदी होती है, यहाँ से तो बहुत गंदी थी अखाड़े तक। बाकी आगे जो जो फर्दर होता रहेगा इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी पावर प्लांट है जो बिजली प्रोवाइड करता है कोयले से चलने वाला। ये जो भी पिछली लास्ट स्टेंट में जब नवाज शरीफ साहब आए थे उन्होंने लगवाए थे यहाँ पे, ये वो है
हालांकि इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत जहाँ से कोयला निकलता है वहाँ पे ज़्यादा है, इसकी ज़रूरत वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ वहाँ से जहाँ से कोयला निकल के आना है वो पूरा ट्रैवल करके पहले यहाँ पे आएगा, फिर वो कोयला यहाँ पे पहुँच के ये बिजली बनाएगा। तो इससे बेहतर था कि ये वहीं लग जाता तो ज़्यादा बेहतर था, उसमें इनके जो पैसे थे वो बच जाने थे। लेकिन बहरहाल फिर भी हमारा एसेट है ये, और हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने एसेट का ख्याल रखें। जी अभी हम लोग पहुँचे हैं साहिवाल, और बाहर बिजली चमक रही है, मौसम बड़ा सा प्यारा हुआ है। साहिवाल पहुँचे हैं, मुझे भी हम साहिवाल पहुँचे, बात मौसम बड़ा सा बदल हुआ, बिजली चमक रही है, तो यहाँ तो बारिश हो जाएगी, हम कराची पहुँचे ही वहाँ बारिश भी नहीं होती, आगे फिर अल्लाह बेहतर जानता है। हम लोग जी भी पहुँचे हैं खानेवाल, और यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी बारिश हो रही है। ये मेन जंक्शन है पहला, यहाँ से पानी शानी रीफिल वगैरह होता सारा कुछ। बाहर लाइट गई हुई है, मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, ये देखें बाहर लाइट गई हुई है असल में, और बाहर बारिश हो रही है इस टाइम, मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ है। और अब जाके कुछ कूलिंग बेहतर हुई है, पहले तो कूलिंग ही नहीं हो रही थी, अब कुछ बेहतर है पहले से, तो वैसे रात भी होगी और मौसम भी अच्छा है, उसकी वजह से थोड़ी सी बेहतर है। मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ, बिल्कुल भी लाइट नहीं है यहाँ पे, लोगों ने बल्कि वो टॉर्चेस वगैरह चेक करके ट्रेन चेक कर रहे हैं। ये देखें बिल्कुल भी लाइट नहीं है, ये सामने शॉप्स हैं, जो लाइट्स छोटी छोटी नज़र आ रही हैं ये शॉप्स हैं। ये हल्की हल्की बारिश भी नज़र आ रही होगी आप, ना इधर लाइट है ना उधर लाइट है। रात को सो गया था, कोई थकावट हुई भी थी, तो मतलब सारे सोते हुए आए हम लोग। अभी हम लोग हैदराबाद क्रॉस कर रहे हैं और पोर्ट्री की गई, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखा डेजर्ट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह कराची पहुँच गया हूँ, अभी बस सामान पैरा गाड़ी आ रही है, बस उसमें बैठ के अपनी सारा कराची तरफ निकलते हैं, वो एक मिनट में पहुँच जाएगी, बाहर मेन गेट पे ही है, तो बस अब चलते हैं घर। और ये है कराची का रेलवे स्टेशन, वो पीछे इमारत है, हम लोग इधर खड़े हुए हैं, ऐसे हमने पीछे सारी इमारत है, तो गाड़ी आती है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह चलते हैं घर।